वन विभाग रेंज ज्वाली द्वारा आज सिद्धपुर घाट बीट में राजकीय महाविद्यालय ज्वाली के सौजन्य से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य नरेंद्र शर्मा के कचनार पौधा लगाकर किया। इस अवसर पर वन विभाग के रेंज अधिकारी ज्ञान चंद भी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस पौधारोपण अभियान में महाविद्यालय के 150 के करीब छात्रों ने विभिन्न कचनार, आंवला, बांस, टीक आदि प्रजातियों के 475 पौधे पर्यावरण संरक्षण में अपनी सहभागिता दी। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य नरेंद्र शर्मा ने प्रदेश सरकार द्वारा शुरू कालीन हिमाचल ग्रीन हिमाचल अभियान की सराहना करते हुए समाज के हर वर्ग को इसमें अपनी सहभागिता देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के सामने बड़ी चुनौती है, इसे निपटने के लिए पौधारोपण बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि पौधारोपण करने के साथ हमारा दायित्व समाप्त नहीं हो जाता, इनकी देखभाल व संभाल भी करनी चाहिए ताकि इनका सर्वाइवल रेट बढ़े। इस अवसर पर वन रेंज अधिकारी ज्ञान चंद ने कॉलेज के बच्चों को पौधारोपण के महत्व के बारे में जागरूक किया। ये अभियान जो है पौधारोपण अभियान, ये इसमें स्कूलों के बच्चे, कॉलेजों के बच्चे, महिला मंडल, युवक मंडल, एनजीओस, इंडिविजुअल, हर एक आदमी इसमें भाग ले रहा है। आज के दिन डिग्री कॉलेज ज्वाली के बच्चे, लगभग 150 बच्चे के करीब यहाँ उपस्थित हुए। उन्होंने 475 के करीब पौधे लगाए। तो ये सिद्धपुर घाट है, ये 10 हेक्टेयर एरिया है, इसमें 6000 पौधे जो हैं वो जन सहयोग से लगाए जाएंगे, जिसमें से 475 पौधे ज्वाली कॉलेज के बच्चों ने लगाए। हमें खुशी होती है इस बात की कि कीमती समय निकाल के बच्चों ने ये पौधे रोपित किए। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और ज्वाली रेंज में 27000 पौधे जन सहयोग से रोपे जाएंगे। ये अभियान 20 से 24 तारीख तक 5 दिन चलेगा। पौधारोपण कार्यक्रम वन विभाग के साथ जो हमारे संयुक्त तत्वाधान में राजकीय महाविद्यालय ज्वाली के छात्रों ने और प्राध्यापकों ने मिलकर इसका किया है। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हमें क्लीन हिमाचल और ग्रीन हिमाचल की जो बागडोर हम सब नवयुवकों ने और सभी हिमाचलियों ने ली है, उसी कड़ी में ये जो यहाँ पे आज प्लांटेशन की गई, इसमें हमारे महाविद्यालय के इको क्लब के सभी बच्चों ने और प्राध्यापकों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और इसमें लगभग 475 के करीब पौधे लगाए गए। और निसंदेह पौधे लगाने से हमारी ग्रीनरी जरूर बढ़ेगी, लेकिन एक और दायित्व हमारा जो बन जाता है कि हम इन पौधों की संभाल करें, सर्वाइवल रेट भी बढ़ाने के लिए हमें पूरा दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा। और इसके लिए मैं वन विभाग को अपनी तरफ से ये वचनबद्धता दोहराता हूँ कि जो भी बच्चे हमारे इस इलाके से संबंध रखते हैं, जो यहाँ प्लांटेशन हुई है, वो भी इन पौधों का ध्यान रखने में वन विभाग की सहायता करेंगे, इनके साथ कोऑर्डिनेशन ये करें और हम सब मिलकर जो भी हमारे हिमाचल सरकार से जो हमें एक आदेश मिला है उसका अनुपालन करते हुए हम इस हिमाचल को और सुंदर बनाने के लिए और पौधे लगाएंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।